नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख और मैं भाग्यश्री ठेखोड़े। बेसियन दिवस के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। दर्शकों, पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वही महाराष्ट्र और विदर्भ में कोरोना के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इंतजाम काफी कम नजर आ रहे हैं। विदर्भ के जेलों में तेजी से संख्या बढ़ी है। विदर्भ के अनेक ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण और मौत के वास्तविक आंकड़ों को देखा जाए तो अभी भी नागपुर ग्रामीण गांव के जिला अस्पताल प्राथमिक आरोग्य केंद्र में नाकाफी बढ़ते इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा दवाई, वैक्सीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्रीकेट ऑक्सीमीटर, गन, ग्लव्स आदि वस्तुओं की जो क्वांटिटी भेजी गई है वो पर्याप्त नहीं है, जिसे जिला अस्पताल प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अधिकारी, तहसीलदार, डॉक्टर की टीम, एसडीओ, बीडीओ से लेकर आशा वर्कर तक आदि कोविड संक्रमण मिशन पर काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तहसील स्तर पर एक बड़े कोविड सेंटर का निर्माण होना बेहद आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोविड संक्रमण की स्थिति काफी गंभीर है। समय के चलते नियोजन करना बेहद जरूरी हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में सुविधा की कमी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश प्रवक्ता तथा विधान परिषद सदस्य गिरीश व्यास, इन्होंने अब तक नरखेड़, कलमेश्वर, काटोल, उमरेड, भिवापुर और कुही आदि गांव के तहसीलदार, आरोग्य अधिकारी, एसडीओ, बीडीओ सहित सबसे बात की और विधायक निधि से जरूरी सामान के लिए पूरा सहयोग करने का वादा किया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिन रात काम कर रहे विधायक गिरीश व्यास, इनका दौरा। अब आपको सीधे ले जाते हैं उमरेड, भिवापुर और कोही गांव में और दिखाते हैं ग्रामीण की बिगड़ी व्यवस्था। साथ ही हाथ बढ़ाना इस स्पेशल स्टोरी में। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण में सुविधा नहीं होने से मरीज को बचाने शहर भर में मरीजों के परिजन भाग दौड़ कर रहे हैं। पहले तो मरीजों को बेड नहीं मिल रहा था, अगर अब बेड भी मिल जाए तो दवाई नहीं मिल रही है। इसमें कई लोगों की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मरने तक की नौबत आ गई है। दर्शकों, हम आपको कोरोना के बढ़ते आतंक के बारे में बता रहे हैं। जिले में इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि मरीज के परिजन लाचार दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति लड़ झगड़ कर या कोई बड़े संपर्क सूत्र लगाकर मरीज के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था कर ले तो बेड की व्यवस्था होने के बाद इलाज के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करता है। इसके लिए परिजन अपने मरीजों की जान बचाने के लिए पूरे शहर में इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहे। पूरे जिले में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया। शहर की तुलना में ग्रामीण के लोग इस सुविधा से वंचित है। काटोल, नरखेड़, भिवापुर, उमरेड़, कुही, इन गाँव के साथ साथ और भी ज्यादा ग्रामीण की जनता कोरोना से बचाव करने के लिए सुविधा नहीं मिलने से वंचित है। ग्रामीण के लोग कोरोना का इलाज करने शहर की ओर भाग रहे हैं। और नागपुर के मेडिकल अस्पताल का आलम यह है कि रोजाना मरीज बढ़ने से कैजुअलिटी गेट बंद करवाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं तो न दवा है, न बेड, न ही ऑक्सीजन, कैसे इलाज करे? ये सवाल से ग्रामीण की जनता ज्यादा चिंतित है। ग्रामीण के स्वास्थ्य विभाग, तहसील के अस्पताल आदि इलाज के लिए मिलने वाली सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता तथा विधान परिषद सदस्य गिरीश व्यास, इन्होंने विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्र के सभी आरोग्य केंद्र, अस्पताल में कोरोना इलाज के लिए जो भी वस्तुएं लगेगी वो देने के लिए गिरीश व्यास तैयार है। अब तक कलमेश्वर, नरखेड़, काटोल, उमरेड़, भिवापुर और कुही आदि गांव में जाकर वहां के तहसीलदार, आरोग्य अधिकारी, एसडीओ, बीडीओ के साथ सभी कोरोना में काम कर रहे ऐसे प्रशासकीय अधिकारियों से मिलकर अस्पताल के कामकाजों का जायजा लिया। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएम की टीम नागपुर के 0 माइल से 68 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले भिवापुर गाँव पहुँच चुकी है। इस गाँव में कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर कितने जागरूक है यहाँ के नागरिक और यहाँ के डॉक्टर की टीम और तमाम लोग कामकाज करने वाले किस प्रकार का कामकाज करते हैं, यही बताने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि अगर विधायक फंड में से इन्हें मदद करने की बात की गई है और गिरीश व्यास हमारे साथ में मौजूद है, डॉक्टर के अंदर में बातचीत जारी है। आइए हम भी चलते हैं और आपको पल पल की जानकारी देते हैं बीसीएम टीम की ओर से। आइए दर्शकों, अब इस समय में हम तहसीलदार, इनके कक्ष में मौजूद है भिवापुर के तहसीलदार
निरुद्ध कांबले जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। कांबले साहब, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण दिन ब दिन बढ़ रहा है, शहरों में तो कई व्यवस्थाएं होती हुई दिखाई दे रही है, मगर ग्रामीण एक ऐसा इलाका था जहाँ किसानों से लेकर तमाम ऐसे मध्यम परिवार के लोग रहते हैं, ऐसे में अब तक के कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, या आपके जो कामकाज है आपके अंडर में जो आते हैं उनके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? जोधपुर ग्रामीण तहसील एरिया में आता है। हमारी जोधपुर 2011 के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो अब 80,000 है, तो टोटल हमें 45 प्लस जो पॉपुलेशन हमारा टारगेट था वो 20,000 है, उसमें से हमने अबाउट 70% लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है। अभी फिलहाल तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल हो जाएगी फिर से हम सेशन चालू करेंगे। हमने ग्रामीण में वैक्सीनेशन के लिए 12 टीम लगाई है और सिटी में 13 टीम लगाई है, ऐसे 13 टीम कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन का काम करती है। हमने यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग, ऐसे तीन चीज पे हम काम कर रहे हैं जी। टेस्टिंग में हमने रूरल में 6 टीम्स लगाई है, सिटी में 1 टीम लगाई है, टोटल 7 टीम्स लगाई है कि जो आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों टेस्ट करते हैं। हमने प्राइवेट प्रैक्टिशनर की भी मीटिंग ली है, उनको बताया है कि जो भी सस्पेक्ट है उनके डिटेल्स आप बताइए, उनके हम टेस्ट करेंगे, इसके तहत अर्ली डिटेक्शन होगा और अर्ली ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। सर ये बताइए कि ये तो एक पार्ट हो गया, मगर जिस तरह से आज हम देखते हैं कि हाल ही में विधायक गिरीशा साहब के पास आए हुए थे, कुछ सेवाएं देने की बात कर रहे थे, कौन कौन सी कमी इस आपके जो मतलब पीएससी है या बाकी के जो तमाम अस्पताल है, कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, क्या कहना चाहोगे, सरकार ने उन कमियों को पूरा नहीं किया है क्या? फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने पास पीपी किट्स हैं, टेस्टिंग किट्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीन। आज कल हमें सिर्फ 200 डोज मिले थे, वो कल ही ख़त्म हो गए, तो हमारी यही कोशिश है कि पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाए, तो हमारी यही रिक्वायरमेंट है और हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो, जिसके तहत जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी रुका हुआ है उसको पहले से हम चालू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बताइए कि विधायक गिरीश व्यास जी आए थे आपसे मिले, कैसा लग रहा है, आपको क्या कहना चाहोगे? सर ने आज बहुत पॉजिटिव मीटिंग दी, इंकरेज किया और जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको बताने के लिए बोला, वो जल्द से जल्द अवेलेबल करके देंगे, तो हमें अच्छा लगा कि सर यहाँ पर आए और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और हमें हमारा तालुका जो है वो रूरल एरिया में आता है और नागपुर से बहुत दूर है, तो यहाँ पर ही हम अभी 20 बेडेड ऑक्सीजन सपोर्ट का DCHC चालू कर रहे हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट हमें देंगे वो हमें सहायता करेंगे, ऐसे हमें आशा है। सर इस समय में तमाम BCM के दर्शक देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं और अपना ये जो BCM न्यूज़ चैनल है ये आपके ब्लॉकों से लेकर तमाम ग्रामीण इलाकों में दिखता है, लैक्स ऑफ पर्सन देखते हैं, तो क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे जो आपके जुरिडिक्शन में जो लोग रहते हैं, जो कामकाज आता है, जो विभाग आता है? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपना टेस्टिंग करवाइए, हमारा 24/7 हर डे हमारा टेस्टिंग चालू रहता है, जिसके टेस्टिंग करेंगे तभी आप अगले डिटेक्शन होंगे और तभी हम आपका अगले से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अर्ली टेस्टिंग कीजिए और जो भी गवर्नमेंट के जो डायरेक्शंस है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, उसका पालन कीजिए, जिसके तहत जो है ये कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल रही है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है। काफ़ी अच्छी जानकारी देते हुए तहसीलदार वीरेंद्र कांबड़े, इन्होंने ये बताया कि सभी ने मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना चाहिए, ये बात कहते हुए उन्होंने अब तक के 74% लोगों ने जो वैक्सीनेशन किया है वो काफ़ी भी तारीफ़ काबिल ये आंकड़ा है, इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा कामकाज इनके मार्गदर्शन में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जिन लोगों ने अब तक के वैक्सीनेशन किया नहीं, जो या उन्हें जो कुछ कोरोना से जुड़ी हुई जो दिक्कतें जो आ रही है वो बिंदास इनसे बात शेयर कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना पड़ा है। दर्शकों अब हम अगले परिसर में जा रहे हैं और अगले गांव में क्या चल रहा है, किस प्रकार का वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या लोगों के मन में भावनाएं हैं, आइए वहीं भी रुक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार साहब जो आपने BCM समक्ष जानकारी दी, थैंक यू। तो दर्शकों आइए हमारे साथ निकलते हैं अगले गाँव।
तो दर्शकों, तहसीलदार से बात करने के बाद हम रुख करना चाहेंगे इस समय में हमारे साथ में विधायक गिरीश राज जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार उनका ये दौरा किस प्रकार का रहा है। गिरीश जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से ब्योपुर का जो आपने दौरा किया और तहसीलदार से लेकर तमाम लोगों को जो जानकारी दी, सहयोग करने की जो बात की, ऐसी क्या बात हुई कि जिसके चलते आपको ये दौरा करना पड़ा? देखिए, ऐसा है, ग्रामीण में बड़ी संख्या में पेशेंट्स का आना ये चिंताजनक है और इसलिए सारे पेशेंट्स के लिए सुविधा होनी चाहिए, उनको साधन उपलब्ध होने चाहिए, उनकी व्यवस्था ठीक है कि नहीं, देखने का दायित्व भी हम लोगों का है। और इसलिए मैंने परसों नरखेड़, कलमेश्वर, काटोल, इस तीन तहसीलों का दौरा किया, तीन तालुकों में जाकर वहाँ के तहसीलदारों के साथ, वहाँ के डॉक्टर्स लोगों के साथ बैठक की। और बैठक करके, वहाँ केवल बैठक नहीं की, आड़ावा लेना, तो सरकार आड़ावा ले रही है, कलेक्टर ले रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर ले रहे हैं, पर इस आड़ावे में इनको क्या चाहिए, कौन सा साहित्य चाहिए, इनको जो जो सामान चाहिए, पीपीई किट हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, या और भी जो ऑक्सीजन संबंधी जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या इनको बेड्स की व्यवस्था चाहिए, परमानेंट व्यवस्था क्या चाहिए, ये सारी बातों के लिए मैंने उनके साथ संवाद किया और सब लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिए हैं कि हमको ये सामान भेजिए। बड़ा आश्चर्य है कि ऑक्सीमीटर की कमतरता है, वो आशा वर्कर्स जो जाते हैं उनके पास पूरा ऑक्सीमीटर नहीं है, अपडेशन वाले नहीं हैं, पुराने हैं, वो एक एक को रिपीट करते करते अब जरा उसकी भी स्थिति खराब हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर मैं पूरे नागपुर ज़िले के अंदर घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं नागपुर ज़िले का विधायक हूँ, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक आधा रास्ता मेरे निधि से ना बने तो चले, पर अगर सेवा अगर हो जाती है और साहित्य देकर अगर ग्रामीण की ये आरोग्य व्यवस्था ठीक होती है तो उसका करना मेरा दायित्व है, तो वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इस संदर्भ में आने वाले 8 दिनों में हम एक वैन भी, एम्बुलेंस भी यहाँ भीवापुर जो आखिरी का कोना है इस ज़िले का वहाँ तक रखेंगे, एक देवलापार में रखने का प्रयत्न है, एक मोवाड़ में रखने का प्रयत्न है, ऐसे आखिरी के कोने पर वो गाड़ी रहे, इससे लोगों की सुविधा हम दे सकें, ये सारा प्रयत्न है। फंड डेडिकेटेड टू कोविड उसकी व्यवस्था के लिए ऐसा मेरा प्लानिंग है और वो मैं कर रहा हूँ। मेरे साथ पूर्व विधायक सुधीर पारवे जी, इन्होंने कहा कि आज यहाँ पर आपको आना है और उनके कहने के अनुसार ये बैठक हमने ली और इसका ज़्यादा अच्छा हमको फ़ायदा भी उसमें हुआ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, 74% तक वैक्सीनेशन हो गया है, वैक्सीनेशन की आज कमी है, कल पूरी हो जाएगी, तो आने वाले सप्ताह भर में ये पूरा वैक्सीनेशन फर्स्ट स्टेज का 100% होने की तैयारी उनकी है। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं अभी यहाँ, जो ट्रामा सेंटर देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बना था परवे जी के माध्यम से, वहाँ पर और 20 बेड बन रहे हैं। ये 20 बेड निश्चित रूप से इस सारे क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत देंगे, उनका जीवन बचाएंगे, यहाँ की टीम अच्छा काम कर रही है, मैं समझ लूँगा। गिरीश जी, आप थोड़ा बने रहे हमारे साथ में, विधायक सुधीर पारवे भी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। पारवे जी, ये बताइए कि जिस तरह से ट्रामा सेंटर जो बनाया था, अभी कैसा कामकाज चल रहा है और लोगों की आए दिन क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आपके परिसर के लोग जीना जी रहे हैं, क्योंकि कोविड का कार्यकाल है, लॉकडाउन भी लगा हुआ, क्या कहना चाहोगे सुधीर पारवे जी? लॉकडाउन के कोविड के संदर्भ में बहुत बड़ी आपदा आई है, ऐसे आपदा की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में नागरिक को आरोग्य के दृष्टिकोण से सुविधा मिलना चाहिए, उनकी जान बचना चाहिए, इसलिए हमने देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में यहाँ पे ये ट्रामा केयर सेंटर का निर्माण किया है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया हमने, आगे का फ्यूचर में नागरिकों को आरोग्य की सुविधा हो जाए। यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ये सेंटर है। यहाँ पे ग्रामीण एरिया में अभी संक्रमण बहुत बढ़ गया है, तो वो सभी टेस्ट, आर्टिफिशियल टेस्ट यहाँ पे होना चाहिए, बेड यहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ रहना चाहिए। इसके लिए पूरे अधिकारी, हमारे तहसीलदार से लेके आरोग्य अधिकारी से लेके पूरे कर्मचारी अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने हमारे गिरीश जी व्यास साहब हमारे नेता हैं और विधान परिषद के आमदार भी है, पूरा जिला उनके तरफ है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब ये जिले का आखिरी कोना है, यहाँ से नागपुर जिला चालू होता लेकिन इसके आजू बाजू में, अगल बगल में 3-4 जिले जुड़े जाते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से जाते हैं, एक्सीडेंट की बहुत सारे परिणाम यहाँ पे दिखते हैं, तो आप यहाँ पे एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करा दीजिए। उन्होंने हमारे मत को सहमति दिए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी हमारे कहने पर यहाँ पे विवाहपुर में आए, उमरेड़ में भी जा रहे हैं, कुई में भी जा रहे हैं, तो उनका कहना, हमने बताया उनको कि साहब यहाँ आने के बाद में आपके निधि से रास्ता नहीं चाहिए हमको, नाली नहीं चाहिए, लोगों की जान हमें बचाना है, इसके लिए सुविधा आपके माध्यम से, आपके निधि से होना चाहिए। उन्होंने एक ही लफ्ज़ में हमें
कह दिया कि ठीक है परवी जी, आप हम यहाँ पे आपको क्या आवश्यकता है उसके लिए हम मदद करेंगे। वो मदद करना चाहते और उसी दिशा में यहाँ पे आए, खुद देखे उन्होंने और अच्छी नागरिक सुविधा करने के लिए हमारे गिरिजी व्यास साहब आगे आए हैं। हमारी नींव है आखिरी के पंक्ति के लोगों को मदद करना चाहिए, उनकी जान बचाना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम भी हम पूरी साथो साथ काम को लगी है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सुधीर पारवे जी ने जिस प्रकार से बताया कि विधायक गिरीश व्यास इनका जो कामकाज है काफ़ी सराहनीय है और विधायक काम जो करते हैं वो जनता को काफ़ी पसंद होते हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं गिरीश व्यास बहुत भाग्यशाली है। ऐसा कुछ कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि वे लगातार दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं। और दर्शकों, अब हम आपको उमरेड के उस इलाके में लेके जा रहे हैं, हुई के सेक्टर में लेके जाएंगे जहाँ पे लोग वैक्सीन और तमाम कामकाज कर रहे हैं। इस समय में ये तमाम यहाँ पे जो लोग दिखाई दे ये सही वॉरियर्स हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम है, परिचारिका है, तो तमाम प्राधिकरण से लेके अब तक जो बड़े अधिकारी हैं वे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं और इनके लिए भी एक बार घर में बैठ के आप जोरदार तालियां बजा दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि दिल से हम इन्हें इन पूरी शुभकामनाएं देते हैं। और जो लोगों ने अब तक के वैक्सीन नहीं ली उन्होंने वैक्सीन लेना है, ऐसे भी इस अवसर पे अन्य लोगों ने भी कहा है। अब हम आपको लेके चलते उनके गाँव में, आइए हमारे साथ। कोरोना की इस चेन को रोकने के लिए तहसीलदार से लेकर डॉक्टर की टीम सभी ने असुविधा होने की बात कबूल करते हुए इलाज के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए इसकी एक फहरिस्त गिरीश व्यास ने दी। इस मौके पर बिवापुर के तहसीलदार अनिरुद्ध कामरे इनसे हमारे संवाददाता संजय मेरे इन्होंने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं बिवापुर से संजय मेरे की रिपोर्ट। दोस्तों, हमने जैसे कि देखा कि बिवापुर में हमने तमाम लोगों से बात की। इस समय में बीसीएम की टीम पहुंची है अमरेड में, उसने जहाँ पे तहसीलदार प्रमुख कदम हमारे सामने जो शिविर है जनसंख्या है और क्या कोविड को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में बाकी काम कर प्रॉब्लम है नहीं अपना हमारे साथ है, यानी कि पूरे तालुका की लोकसंख्या है 154,180, इसमें से यानी कि 100,000 लोकसंख्या है गाँव का, यानी गाँव की यानी रूरल की और अर्बन की 154। बाकी तो हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा अभी बढ़ रहा है, 31 गाँव में यानी कोविड पॉजिटिव लोग हैं। अपना CCC इधर ही उमरेड में वैक्सीनेशन जब तक खपत बढ़ाएंगे नहीं तब ये अपना पे अपन बात नहीं कर सकते। सर, ये ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं उनका कितना सहयोग रहता है और आपकी टीम में क्या जन जन तक पहुँच रही है क्या नहीं है? पहुँच रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, गाँव गाँव में अपने सरपंच सर। आखिरी का सवाल कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने में? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों को वैक्सीनेट करके उनको अपना इसमें अवेयरनेस फैलाना है। जो वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए उतना ज़्यादा है नहीं,
वो फैल गया और इतना ज़्यादा से ज़्यादा अपना वैक्सीनेशन हो गया तो अपन ये कंट्रोल कर सकते हैं। सर, शहर के लोगों की तो काफ़ी अच्छी हिफाजत ली जा रही है, ग्रामीण लोगों को तक आप लोग पूरी पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके जो कामकाज करने जो पूरी विभाग की जो टीम है, जैसे डॉक्टर्स है, आशा वर्कर्स है, परिचारिका है, या फिर जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद, तो यहाँ के जो तमाम कर्मचारी जो कामकाज कर रहे हैं, आपके विभाग के कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या मतलब दक्षता लोगे? उनके लिए तो अपन पूरी, यानी कि वो तो पूरे एजुकेटेड लोग हैं, उनको यानी कि अपन ने पूरा ये बता दिया है, उनको तो अवेयरनेस पूरा आ गया है, वही उनके लोग, उनके माध्यम से ही लोग यानी गांव गांव तक अपन आखिरी आदमी तक पहुंच रहे, जिनको क्या करना चाहिए, इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या क्या कर सकते, अगर ये क्या यानी कि आपको हो भी गया तो क्या प्रिकॉशन लेके आप कैसा कैसा कर सकते, ये अपन यही माध्यम से पहुंचा रहे। इसमें पूरे यानी कि मेडिकल की यंत्रणा पूरी गांव में जो आशा वर्कर्स है या फिर पटवारी है, ग्राम सेवक है, कृषि सहायक है, ये पूरी यंत्रणा काम पे लगी है और गांव-गांव में आखिरी आदमी तक अपन पहुंच रहे हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पे प्रमोद कदम इन्होंने दिए है, जो कि तहसीलदार है, उन्होंने ये बताया कि हर विभाग के हर कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ दिन रात काम कर रहे हैं, अगर कुछ थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो जिस प्रकार से आज विधायक गिरीश व्यास यहाँ पे, उन्होंने जो सहयोग की जो बात कही है, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी तो वे ये लोग उन्हें लिख के देंगे और वो अपने विधायक निधि से ये खर्चा करना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। दर्शकों, अब हम इसके बाद और भी दूसरे गाँव में जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। तो हम नगर परिषद उमरण में जहाँ पे तहसीलदार से भी बात करेंगे, तो उससे पहले कुछ यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करेंगे, गिरीश जी व्यास है विधायक, उनसे बात करेंगे। सर, ये पता है कि भियापुर का दौरा करने के बाद आप जिस प्रकार से इस कार्यालय में आए हो और यहाँ से जब आपकी तहसीलदार से जब बातचीत हुई तो कौन कौन सी कमी यहाँ पर दिखाई दी और किस प्रकार की सेवा आप देने वाले हो? देखिए, एक हमारे पार्टी के आदेशानुसार मैंने आज उमरण का दौरा किया है, इस विधानसभा में भिवापुर का मैंने आज दौरा किया, आज उमरेड़ शहर में, उमरेड़ शहर के साथ बेला, सिरसी, पाँचगांव और मकरदोखड़ा, ऐसे इन सब चार भागों का हमने निर्णय पूछा, वहाँ की क्या स्थिति है। माननीय तहसीलदार जी की उपस्थिति में बैठक हुई और इस बैठक में यहाँ के जो सिविल सर्जन के अंतर्गत का जिला रुग्णालय वो और ये सारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र के डॉक्टर्स ने जो कमियाँ बताई, उन कमियों को साहित्य के साथ उनको मदद करना, उनको वहाँ पर ऑक्सीमीटर्स हो, टेम्परेचर गन्स हो, बीपी अपराटस हो, स्टेथोस्कोप हो, पीपी किट हो, सैनिटाइजर हो, या और जो उनको देना है वो सारे व्यवस्था उनको करके देने का प्रयास हम कर रहे हैं, उनसे प्रस्ताव हमने मांगा है, मेरे निधि से मैं उनको दूंगा। इसमें पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, ये हर प्राथमिक केंद्र में रहे ताकि उसको एक सिंपली फर्स्ट स्टेज मॉनिटरिंग, उसको ऑक्सीजन लेवल का जिसका 90 के नीचे ऑक्सीजन जाता है उसको हम दे पाने में समर्थ हो, उसके लिए करना है। यहाँ कुछ बेड की व्यवस्था बढ़ानी है, उसके लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाना है, जंबो सिलेंडर देना है, क्योंकि ये बड़ा शहर है, 55,000 के ऊपर लोक संख्या 2011 के सेंसस की है, अब तो 9 साल के बाद वो और बढ़ गई होगी, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका करने का मैंने प्रयास किया है। आज हमारी भदौरिया थी, जिला यहाँ के नगराध्यक्ष है वो भी मेरे साथ हैं, माजी आमदार माननीय सुधीर पारवे जी हैं, अजय बोढ़ारे जी भी मेरे साथ हैं, ये सब लोग इस संदर्भ में बातचीत करेंगे और मैं इनके साथ यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, इस समय में नगराध्यक्ष भदौरिया मैडम है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, ये पता है कि जिस तरह से आज ये जो दौरा हुआ है, कैसा महसूस कर रही हो, क्या कहना चाहोगे आप? आज आदरणीय आमदार साहब गिरीश व्यास जी जो यहाँ पर आकर हम लोगों की समस्या जानने की कोशिश की है और उसके लिए जो साधन जुटाने की का जो आश्वासन दिए हैं, और आश्वासन क्या दिए हैं वो पूरा करते आए हैं, पिछले साल भी उन्होंने किया था, तो वो करने से बहुत राहत मिल रही है। और आप ये जानते हैं कि जो ये एक लॉट चल रही है उसमें साधन जो है वो कभी भी कम पड़ेंगे, क्योंकि बीमारी अधिक, एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है, आप कितना भी साधन संपन्न हो लेकिन साधन की कमतरता लगेगी ही, उसके लिए माननीय व्यास जी ने आके यहाँ पर हम लोगों का हौसला बढ़ाया और हम लोगों को आश्वासन दिया पूरे साधन जुटाने का, उसके लिए मैं उनका खूब खूब आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी कि स्वस्थ निरोगी दीर्घायु जीवन सारा समाज। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भदौरिया मैडम इन्होंने फरमाई, अब हम अजय बोढ़ारे जो कि उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइए। महाराष्ट्र विधान परिषद के लोकप्रिय आमदार
श्री गिरीशजी व्यास साहेब यांच्या संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यामध्ये हा कोरोनाच्या संदर्भात दौरा आहे. ज्या ज्या ठिकाणी कोरोना संदर्भात ज्या समस्या आहे, अनेक ठिकाणी बेडची कमतरता आहे, अनेक रुग्णांना ग्रामीण भागामध्ये खूप समस्या निर्माण होत आहे, त्या अनुषंगाने गिरीशजी व्यास साहेब यांच्या दौऱ्याच्या माध्यमातून त्यांनी आपला फंडसुद्धा देऊ केलेला आहे. मी खरंच या ठिकाणी गिरीशजी व्यास सरांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी जिल्ह्याच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेच्या मदतीला ते धावून आलेले आहे आणि आपला संपूर्ण निधी हा ग्रामीण जनतेच्या लोकांना ते देऊ करत आहे. खरंच मी त्या ठिकाणी त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सर आप क्या कहना चाहोगे, आप एक पार्षद हो, बतौर पार्षद और एक डॉक्टर भी हो. बहुत प्रशंसनीय जो स्टेप हमारे आमदार गिरीश जी ने व्यास लिया, इनके लिए उनका उमरेड नगर की ओर से और उमरेड नगर पालिका की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. जो ज़रूरतें हमारे ग्रामीण रुग्णालय में ज़रूरतें थी इक्विपमेंट सी कोविड के संबंधित, वो सभी इक्विपमेंट की पूर्तता करने का आश्वासन गिरीश जी ने यहाँ पे दिया. मैं अद्भुत उनके इस प्रयत्न से बहुत बहुत समाधानी हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. सुधीर पारवे जी विधायक हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे. सर अब तक ये बता कि जैसे कि भिवापुर हो गया और उमरेड के बाद में और भी कुछ अपने के दौरे लगे हुए हैं, ये कार्यालय में जब आप आए तो कौन सी चीज़ें खासतौर पे आपको सामने दिखाई दी, या आप बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो, विधायक हो, अगर कुछ कामों में कमियाँ होती है तो लोगों के कितने ताने सुनना पड़ता है, कितने कामकाज किया आपने अब तक के और क्या करना चाहोगे? यहाँ पे ये जो महामारी आई है, मैं गिरीशजी व्यास साहब का तो सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये नागपुर जिले के पहले आदमी है जिनका काम है, जिनको जिन्होंने इस जिले का पालकत्व स्वीकारा है वो यहाँ दिखते नहीं है, लेकिन गिरीशजी व्यास विधान परिषद के आमदार है, वो यहाँ आके भिवापुर में आके उमरेड में आके कुई में आके मेरा निधि में समर्पण करना चाहता हूँ. मैं इसे बीमारी की इसमें मैं अपने बीमार लोगों को बचाने के लिए काम में आने का मेरी मंशा है. राजकारण करने की मंशा मेरी नहीं है, लेकिन लोगों के सेवा में समर्पित करने की भूमिका गिरीशजी व्यास साहब ने की है. हमने उनको बुलाया कि भाऊ यहाँ पे आना पड़ता आपको. अभी क्या क्या कहना क्या चाहोगे, क्या कितना महत्वपूर्ण रहा है यह दौरा, क्या क्या बातें इसमें से निष्पन्न हुई? दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है. जो नीड्स है लोगों की, जो गरज है डॉक्टर्स को, जो गरज है हमारे तहसीलदार साहब को, गरज जो भी चीज़ों की गरज आवश्यकता है उसके लिए वो निधि देना चाहते हैं, इसलिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है. और ऐसे ऐसे अड़चन के समय में हमारे गिरीशजी व्यास साहब यहाँ पे आए हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे अच्छे आमदार यहाँ पे हमको मिले. धन्यवाद. दर्शकों इसके बाद में हम कुई केंद्र में जाएंगे और वहाँ की भी पल पल की जानकारी देंगे. ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण और मौत के वास्तविक आंकड़ों को देखा जाए तो अभी भी नागपुर ग्रामीण गांव के जिला अस्पताल प्राथमिक आरोग्य केंद्र में नाकामी पड़ते इंतजाम दिखाई दे रहे हैं. सरकार और प्रशासन द्वारा जो दवाई, वैक्सीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्री किट, ऑक्सीमीटर गन, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि बातों की कमी साफ तौर पर देखी गई है. दर्शकों बीसीएन टीम भिवापुर उमरेड के बाद कोही गांव के एक अस्पताल में गए और वहां के मरीज, डॉक्टर, स्टाफ, कोही के तहसीलदार रमेश पाकुरे इनसे बातचीत की. आइए देखते हैं कोही से बीसीएन संवाददाता संजय बिरे इनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट. दर्शकों इस समय में बीसीएन की टीम फिर से उमरेड से बातचीत करने के बाद, वो वहाँ के तहसीलदार की जानकारी लेने के बाद में अब हम तालुका आरोग्य अधिकारी कुही में आए हुए हैं. यहाँ पे तहसीलदार पागोटे हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे. सर ये बताएं कि क्या पूरा स्टेटस है अब तक के कोरोना को लेकर? सर अभी तक हमारे यहाँ एक्टिव आइसोलेट 946 है, इसमें हॉस्पिटल में 15 और सीसी केंद्र कुही में 7 है. ऐसे कुही तहसील के अंदर 968 अभी एक्टिव केसेस है और इसमें से टोटल अभी तक 1,911 अभी टोटल केसेस है. पागोटे साहब ये बताइए कि जिस तरह से आज विधायक गिरीश व्यास यहाँ पे आए, सहयोग करने की जो बात उन्होंने कही है, आपके जो आरोग्य केंद्र है और लोगों का संख्या देखते हुए, गाँव वालों की संख्या देखते हुए, कौन सी चीज़ों की कमी है यहाँ पर? अभी यहाँ पे तो फिलहाल डॉक्टर लोगों की कमतरता है. यहाँ पे जो डॉक्टर लोगों का जो स्टाफ है ये कम है. यहाँ पे वैक्सीन को लेकर क्या पोजीशन है? वैक्सीन भी अभी आज के दिन तितूर जो पीएचसी है वहाँ 350 है और आरएच में 370 है. ऐसे टोटल मिलके 720 आज की पोजीशन में वैक्सीन यहाँ है उपलब्ध.
कुई के अंतर्गत कितने कोविड से लोग अब तक के ये उनकी डेथ हुई है? अभी 44 लोगों की डेथ हुई है चौवालीस लोगों की डेथ होना ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और तहसीलदार पागोटे हमारे साथ में थे, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि काफ़ी भयावह स्थिति है कि कोई जो वस्तुएं उनकी भी काफ़ी कमी है। ऐसे में विधायक निधि से गिरीश व्यास जी आज यहाँ पे सहयोग करने के लिए आए हुए हैं और तमाम तहसीलदारों से उन्होंने बात की है। अब हम आगे के केंद्र में जाते हैं और वहाँ पे क्या चल रहा है आइए आपको पल पल की जानकारी देते हैं हमारे कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ। कुही के आरोग्य केंद्र में बीसीएम की टीम पहुंची है, यहाँ के जो डॉक्टर साहिब है उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का प्रादुर्भाव और प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में अस्पताल में मरीज जो आते जाते रहते उनकी संख्या क्या है और अब तक के कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई है और क्या शासन प्रशासन आपको मदद कर रही है क्या? दिन प्रतिदिन यहाँ कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर वैसे बहुत कम थे लेकिन कुछ 15 दिनों से बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक इन पूरे साल में 44 लोगों की डेथ हो गई है। अभी 900 लोग हमारे यहाँ कुही तालुका में एक्टिव है और कोविड केयर सेंटर में 2 लोग एडमिटेड है। मैडम ये बताइए कि जिस तरह से कौन से वस्तुएं चीज़ें हैं जिसकी कमी हुई है जिसके चलते पेशेंट को तकलीफ हो रही है, आपके स्टाफ को तकलीफ हो रही है, क्या कहना चाहोगे? वैसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में शासन ने हमें सप्लाई किया है लेकिन अभी व्यास सर आए तो उन्होंने भी हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए डिमांड करने के लिए कहा है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैक्सीनेशन भी हो रहा है लेकिन केसेस बढ़ते हैं तो अभी हम जो डिमांड करेंगे जल्द ही हमें व्यास सर कलेक्टर सर से माध्यम से मिलेगी तो उनका हम धन्यवाद देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रारानी पाटिल है। तो आप है चंद्रारानी पाटिल जिन्होंने बखुबेर बेपा के साथ बात करते हुए ये कहा कि तमाम चीज़ें जरूर है मगर मरीजों की जो संख्या जो बढ़ रही है काफ़ी इजाफा हुआ है, ऐसे में जो इक्विपमेंट जो चाहिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो वस्तुएँ चाहिए वो पूरी तरह से कम दिखाई देती है जिसके चलते अब विधायक गिरीश व्यास इनकी पहल से आज ये तमाम ग्रामीण इलाकों का दौरा इन्होंने किया है। आइए उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि जैसे कि उमरेड हो गया, भिवापुर के बाद में कुई हो गया, कलमेश्वर हो गया, पारशिनी हो गया, ये तमाम ऐसे ग्रामीण इलाकों में आप जाके जो सेवाएँ जो दे रही है कुही में आपको क्या पता चला, क्या लोगों की इनकी डिमांड है? देखिए ऐसे उमरेड विधानसभा का ये अंतिम छोर है, ये इतना दूर है और आदिवासी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक आना यानी करीब करीब मेन रास्ते से 1.5 घंटा 1 घंटा अंदर आने में लगता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सारा इलाके में जितने पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं उनकी योग्य व्यवस्था हो, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई स्थिति हो, उसके लिए लगने वाली चीज़ें उनको साहित्य जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऑक्सीजन है, बेड्स है या उसके अंतर्गत जो और भी व्यवस्था उनको लगती है, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए उनको, पीपीई किट्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, गन्स चाहिए, ऑक्सीमीटर चाहिए, ईसीजी मशीन्स चाहिए, ये जो जो भी उनको पोर्टेबल ऑक्सीजन की जो मशीन आती है वो इनको चाहिए। ऐसी अगर व्यवस्था अगर होती है तो मुझे लगता है कि इनके रोगियों को यहाँ के लोगों को नागपुर पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, यहाँ उनको मॉनिटर किया जा सकता है। वैक्सीनेशन अच्छे प्रमाण पर चल रहा है उसका समाधान है। केवल एक है, मैं RT-PCR के बारे में बात करूंगा माननीय जिलाधिकारी से, डीन महोदय से, कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजेंगे तो जो RT-PCR कर लेता है पेशेंट उसको ऐसा लगता है कि मेरी RT-PCR हो गई है पर 2 दिन बाद रिपोर्ट अगर आता है तो मुझे लगता है कि उसका कैरियर जो कुछ लोगों से वो इस बीच मिलता है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है इसका एक डाउट रहता है तो इसके कारण भी रोगी बढ़ सकते हैं। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट जल्दी आए, उनको सुविधा मिले और इस दृष्टि से कोऑर्डिनेशन जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में हो इसका प्रयास हम कर रहे हैं और इसलिए आज मैं ये आज 6वें दौरे पर यहाँ पर आया हूँ। कल 3 दौरे पूरे किए, आज का ये 6वां मेरा दौरा है। सर कोविड वैक्सीन को लेकर कई लोगों में संदेह की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जैसे कि इस परिसर के डॉक्टर चांद नाम के किसी ऐसे डॉक्टर ने एक गलत संदेश मार्केट में दिया है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत होती है, तो क्या ये बात सही है, कितना तथ्य है इसमें? अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो फिर मेडिकल प्रशासन उनके ऊपर में क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए कुही के अंदर जिस डॉक्टर का नाम मुझे अभी जानकारी मिली है, पहले तो उसकी डॉक्टरी
वो डॉक्टर है कि नहीं इसका प्रमाण पत्र जांचना पड़ेगा। मैं पुलिस को उसके संदर्भ में एक तकरार लिखूंगा कि इसको पहले जांच लिया जाए कि डॉक्टर है कि नहीं। वो अगर गलत तरीके से हमारे लोगों का उपचार कर रहा है तो एक कानून अपराध है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको इस बारे में रोकना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेने से, ये इंजेक्शन लेने से किसी की भी जान नहीं जाती, उल्टा उसकी जान बचती है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अगर उसने वक्तव्य दिया है तो निश्चित उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे लोग जिन्होंने आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लिया है, इनका जीवन और ज़्यादा सुरक्षित हुआ है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। वैक्सीन को लेकर जो गलत फहमी थी उसको दूर किया है विधायक गिरीश व्यास इन्होंने, और यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए विधायक गिरीश व्यास इन्होंने विदर्भ के अलग अलग परिसर के कई ग्रामीण इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, और साथ ही साथ जो जो अस्पताल में जैसे आरोग्य केंद्र हो या PSC हो जहाँ पर ये सुविधाएँ नहीं मिल रही है, वे अपने निधि से लोगों उस डॉक्टर की टीम को तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे आरोग्य केंद्र थे जहाँ पे कोई कई ऐसी वस्तुएं थी, चीज़ें थी जो अपने मरीजों के लिए काफ़ी कम गिरी थी, ऐसे में उन लोगों ने भी लिखित में एक प्रपोजल उन्हें दिया है। अब बहुत जल्दी हर आरोग्य केंद्र में उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, ऐसी सभी चीज़ें देने का मन और बात ये दोनों विधायक गिरीश व्यास इन्होंने किया है। और दर्शकों, इसी के साथ हम कुई के इस अस्पताल में आप देख सकते हैं पूरा स्टाफ यहाँ पे है, मरीज भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। मरीजों ने जो कोरोना पेशेंट है जो संक्रमित हो रहे हैं उन्होंने भी अपना ध्यान देना चाहिए, और जो नर्सें डॉक्टर परिचारिका आशा वर्कर है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना यह एक ऐसा दुश्मन है जिसको गले नहीं लगाया जा सकता। अगर कोरोना को दूर रखना है तो हमें अपनी हिफाजत और हमारे साथ हमारे देश की हिफाजत, हमारे समाज की हिफाजत होना बेहद ज़रूरी है। और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश प्रवक्ता गिरीश व्यास, विधायक गिरीश व्यास, ये काफ़ी अच्छा कामकाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस स्टोरी में इतना ही, अगली बार फिर किसी पर्सनैलिटी को लेकर हम आपके सामने में आरोग्य यंत्रणा इस टॉपिक के माध्यम से आपसे रूबरू हो गए। तब तक कुही, मांडर और भिवापुर से ये तमाम जो आपके सामने में ये जो चित्र जो दिखाई दे रहे हैं, जो विजुअल्स जो बता रहे हैं, कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल BCN न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।